नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। पुतिन ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच ब्रिक्स और G20 समिट पर भी बातचीत हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार जाति जनगणना पर केंद्र का हलफनामा। राज्य सरकार के पास जनगणना का अधिकार नहीं। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस सब के बीच में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट का समन आ चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट का समन। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में कोर्ट का समन आया है। अहमदाबाद कोर्ट में 22 सितंबर को पेश होने का आदेश है। एक और बड़ी खबर आ रही है, छेड़खानी केस में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ 16 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है। संदीप सिंह पर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। और पांचवी बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, ग्रुप ए और बी कैटेगरी के सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मधुमिता शुक्ला की हत्या का दोषी संतोष राय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संतोष राय ने कोर्ट से सरकार को रिहाई का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच सातवीं बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज के SDM ज्योति मौर्य केस में यूटर्न है। बैकफुट पर आए पति आलोक ने शिकायत वापस ली है। जांच कमेटी प्रयागराज कमिश्नर को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट। आठवीं बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा। रक्षाबंधन के दिन बसों में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। 29 अगस्त की रात से 31 अगस्त तक बसों में फ्री सफर होगा। और अंबानी परिवार की नई पीढ़ी को कमान मिल चुकी है। बेटी ईशा, बेटे आकाश और अनंत रिलायंस के बोर्ड में शामिल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नीता अंबानी का इस्तीफा।